Assalamualaikum, मेरा नाम काजी मिश्रा है एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन फाइव बेनिफिट्स ऑफ बुक रीडिंग। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, दुनिया के 88% सक्सेसफुल मिलियनेयर बिजनेसमैन के लाइफ में एक चीज है जो कॉमन है और वो ये है कि वो रोजाना 30 मिनट किताबें पढ़ते हैं। I mean, take the hint. Elon Musk, who is a hero of today's generation, he reads 10 hours a day. और अपने बचपन में वो इतनी किताबें पढ़ता था कि उसकी लोकल लाइब्रेरी में किताबें खत्म हो गई थी एंड देन ही वेंट फॉर एनसाइक्लोपीडिया। ही रेड एन एनसाइक्लोपीडिया। एंड वी कैन मेक अ हाइपोथेसिस आउट ऑफ इट कि सक्सेस का बहुत बड़ा इंडिकेटर है किताबें पढ़ना, बिकॉज द पीपल हु रीड बुक्स आर सक्सेसफुल एंड वाइस वर्सा। जस्ट ट्राइंग टू प्रूव दिस हाइपोथेसिस बाय ब्रिंगिंग आउट फाइव डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग। नंबर वन, इट इम्प्रूव्स द हेल्थ ऑफ योर ब्रेन। Number one, it improves the health of our brain. Reading does to our brain what exercise does to our body. जब हम अपने आप को healthy और fit रखना चाहते हैं तो हम physical exercise करते हैं, उससे हमारा metabolism improve होता है, body detoxify होती है, fat remove होता है और muscle mass increase और eventually हमारा stamina improve होता है, increase हो जाता है। जहाँ हम 1 घंटा काम कर रहे थे वहाँ हम 2 घंटे और 3 घंटे काम करना शुरू हो जाते हैं। That is exactly what reading does to our brain. And what reading does to our brain is that it aligns all those align all those impulses in one direction, जिसकी वजह से हमें focus करने की ability होती है, and that eventually leads to increasing the stamina of our brain. जहाँ हम सिर्फ 5 या 10 ज़्यादा घंटा focus करने की ability रखते थे, वहाँ हम 1 घंटा और 2 घंटा focus करने की ability अपने अंदर पैदा करते हैं। Number second point is it improves our memory. And not only does it improve our memory, it delays the process of memory loss later on in life. रेगुलर, क्योंकि हम रोज़ाना या रेगुलर बेसिस पे रीडिंग कर रहे होते हैं और हम कॉन्स्टेंटली अपने माइंड को एक प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व रख रहे होते हैं, तो हमारा माइंड उस चीज़ का आदी हो जाता है और उसको उसकी मेमोरी, उसको किसी चीज़ की रिटेन करने की एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है एंड इवेंचुअली वो अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता है। इसके साथ साथ रीडिंग मेमोरी लॉस के प्रोसेस को भी काफ़ी हद तक डिले करती है। मेमोरी लॉस इज नोन एज डिमेंशिया एंड इट्स वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजीज नोन एज अल्जाइमर डिजीज। एंड अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, पाकिस्तान में हर 3 सेकेंड में एक शख्स अल्जाइमर डिजीज से डायग्नोज हो रहा है, क्योंकि डिजनरेटिव बीमारी है जो कि उम्र के बढ़ने की वजह से होती है, जिसके अंदर बॉडी में आप कह लें कि एनर्जी कम हो जाती है और ज़्यादा ही काम करने की एबिलिटी कम हो जाती है। और सबसे मेजर जो उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो मेमोरी लॉस यानी डिमेंशिया होता है। And according to a study, people who read tend to delay the process of dementia by 30% as compared to people who don't. We can do that too if we start reading. Benefit is that it decreases stress. This is something that we need so much nowadays because stress level ऊपर से ऊपर ही जा रहा है, इट्स नॉट गोइंग डाउन। सो हाउ डज रीडिंग डिक्रीज स्ट्रेस लेवल इन ह्यूमन बॉडी? जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन के अंदर वायर्स होती हैं जिनको हम इम्पल्सेस कहते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रही होती है और रीडिंग उन वायरिंग को डी वायर करती है और उसको एक डायरेक्शन में अलाइन कर देती है, जिसकी वजह से हमारे फोकस को इम्प्रूव करती है एंड दैट लीड्स टू डिक्रीज इन द स्ट्रेस। मोस्ट कॉमनली इस वजह से होता है कि बिकॉज ऑफ द यू नो डिसअलाइनमेंट ऑफ डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस impulses and you know our dimag is like all over the place with overthinking, giving us in most probably we improve the focus because of reading we can decrease the stress. Is study ke mutabik jo log rozana 6 minute kitabe padhte hain wo 68% stress ko release kar sakte hain apni body se, jo ki second number pe aata hai and first number pe aata hai exercise, जो कि 74-75% स्ट्रेस को रिमूव करता है। सो वी कैन सी व्हाट बॉडी व्हाट सो वी कैन सी व्हाट रीडिंग डज टू आवर बॉडी, इट इज एग्जैक्टली व्हाट एक्सरसाइज इज डूइंग टू आवर बॉडी। द फोर्थ बेनिफिट इज माय पर्सनल फेवरेट, रीडिंग क्रिएट्स एम्पैथी एंड टॉलरेंस अमंग द रीडर्स। अगर हम कोई किताब पढ़ें और उसमें ऑथर ने जो बात लिखी हुई हो उससे अग्री ना करते हों या उसको सही ना समझते हों, या फिक्शन किताबें पढ़ें जिसमें कैरेक्टर के किसी फीचर को हम समझ ना पा रहे हों, हमारे लिए वो अनोइंग हो और बहुत ही इमेच्योर कैरेक्टर हो, देर इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। द
बेस्ट थिंग अबाउट रीडिंग इज जब हम एक ऐसी चीज के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ का पार्ट नहीं है या जो ओपिनियन हमारा साथ नहीं है ना हो सकता है, तो हमारे दिल में टॉलरेंस क्रिएट होती है एक डिफरेंट ओपिनियन की, यानी कि टॉलरेंस क्रिएट हो जाती है। आपको ये एहसास होता है कि एक चीज जो मेरे अंदर नहीं है, ओपिनियन जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ या करती हूँ, वो दुनिया में एग्जिस्ट कर सकती है किसी और शख्स में। और आपको इस बात का एहसास होता है कि अगर एक इंसान एक ऐसी बात की वजह से दुखी है या एंग्री है या एंग्शियस है, जिस बात की वजह से आप दुखी या एंग्री नहीं होते नॉर्मली, तो आप उस बात को अंडरस्टैंड करते हो कि उसका दुख भी, उसका एंगर भी जेन्युइन है, बिकॉज उसका दुख भी एग्जिस्ट कर सकता है। एंड दैट इज हाउ यू क्रिएट एम्पैथी। नंबर 5, सो नंबर 5 एंड द लास्ट पॉइंट, रीडिंग गिव्स यू न्यू आइडियाज। डिड यू गाइस नो कि इलॉन मस्क को रॉकेट्स के बारे में किताबों से पता चला था? यस, ही डिड नॉट नो व्हाट रॉकेट्स आर बिफोर ही रेड द साइंस फिक्शन बुक्स, एंड लुक व्हाट इंपैक्ट ही इज क्रिएटिंग। सो न्यू आइडियाज, नया नॉलेज हमें किताबें देती हैं, हमें मुख्तलिफ ज़मानों के से एक्सपोज किताबें करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू रीडिंग अ बुक फ्रॉम 19th century, ऑब्वियसली यू कैन नॉट गो टू द 19th century, आपको नहीं पता लग सकता कि वहाँ के तौर तरीके क्या थे, लेकिन अगर आप एक किताब पढ़ेंगे तो आप काफ़ी हद तक उसके साथ एक्सपोज हो जाएंगे, एंड यू लिव इन द 19th century वर्ल्ड अगेन। एंड दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, न्यू स्किल्स आर गोइंग टू कम टू यू when you start reading and make it a habit. So yeah, that is it, 5 advantages of reading. वैसे रीडिंग के तो हजारों फायदे हैं, लेकिन आई हैड टू सम इट अप इन अ वीडियो, सो हेंस 5, बट लेट मी नो इफ देयर आर मोर अदर इंपॉर्टेंट वंस जो मैंने मिस कर दिए हैं, एंड दैट वुड इंपॉर्टेंट टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो कि आजकल आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। आई कुड रियली यूज सम सजेशंस।